रंगों के त्योहार होली का लोग पूरे साल बेसब्री से इंतजार करते हैं और होली के दिन रंगों में सराबोर नजर आते हैं। लेकिन होली एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। ये पर्व हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है और इस दिन पूजा पाठ के बाद अगले दिन होली का त्योहार मनाते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल होलिका दहन 24 मार्च 2024 को है और फिर 25 मार्च 2024 को होली का पर्व मनाया जाएगा। होलिका दहन की पूजा बेहद ही खास होती है और कहते हैं कि इस पूजा से घर से निगेटिविटी व दुख दर्द चले जाते हैं। लेकिन इस साल होलिका के पर्व पर भद्रा का साया रहेगा। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य हमेशा शुभ मुहूर्त देखकर ही किए जाते हैं। विशेष तौर पर पूजा पाठ के कार्य में मुहूर्त अवश्य देखा जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल होलिका दहन के दिन भद्रा काल लग रहा है और हिंदू धर्म में भद्रा को अशुभ मुहूर्त माना जाता है। भद्रा काल में किसी भी तरह की पूजा पाठ नहीं की जाती। ऐसे में लोग होलिका दहन के शुभ मुहूर्त को लेकर काफी कंफ्यूज हैं। ज्योतिषाचार्य से जानते हैं कब लगेगा भद्रा का साया। जी महाराज जी बताइए, होलिका दहन कब है, होलिका दहन की तिथि कौन सी है और किस वक्त होलिका जलाना सबसे उचित रहेगा? भारत वर्ष के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के रात्रि में 10:35 तक भद्रा है। भद्रा के बाद होलिका दहन का शुभ मुहूर्त निकाला जाएगा। 12:55 से 3:15 तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त माना जाएगा। इसके पहले और इसके बाद नहीं करना? नहीं, भद्रा से पहले नहीं होनी चाहिए। भद्रा के 3 घंटे के बाद ही होलिका दहन का प्रमाण माना जाता है। क्या है भद्रा? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचांग बनाते समय 5 बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है, तिथि, वार, योग, करण और नक्षत्र। करण तिथि का आधा भाग होता है। करण की संख्या 11 बताई गई है। इनमें से एक करण का नाम विष्टि है, इसे ही भद्रा भी कहते हैं। लोकल 18 जमुई से गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।